आ गए हैं दिल्ली मंडी हाउस, वेलकम टू दिल्ली मंडी हाउस। वर्कशॉप में पैसे लूटे और जेब में चिल्ला छूटे, एक टाइम रहने लगे भूखे पर साली उम्मीद ना छूटे। पोस्ट ऑफिशियल पर्चे बांटे, कुछ यारों ने खर्च काटे, पक्की पक्की सड़के थी पर डर के पांव में चुभते कांटे। सही जोन है गलत फोन है, सपनों की क्रीज पे रह गए नॉट आउट। आ गए हैं दिल्ली मंडी हाउस, आ गए हैं दिल्ली मंडी हाउस, वेलकम टू दिल्ली मंडी हाउस, आ गए हैं दिल्ली मंडी हाउस। आप अभी तक नहीं गए? सर आपने कुछ देखा नहीं सर, आप पहले देख तो लीजिए। अच्छा ठीक है, लाइए दिखाइए। दिखाइए क्या है? सर ये देखिए सर। ये सर। अच्छा ये देखिए सर, डॉक्टर का। अच्छा सर ये भिखारी का। और ये सर पागल। और ये सबसे फेमस रोल है सर। अच्छा सर ये 80 साल के बूढ़े का सर। ये आपका सबसे फेमस रोल? जी सर, वीडियो में दिखा दूं। बच्चे जैसे लगते हैं आप, और 80 साल के बूढ़े का रोल कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम है थिएटर की। अरे आप अपने लुक के हिसाब से रोल किया करिए ना, और ये सब कुछ मुझे मत दिखाइए। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ये सब अपलोड करिए, प्रोफाइल क्यूरेट करिए। इससे व्यूज बढ़ेंगे आपकी, और हमारे लिए आसानी होगी। आप मेरी बात मानिए, ऐसा आप काम करिए, हमारा ऑफिस यही है, प्लीज बाद में आइएगा। आई अंडरस्टैंड, बाद में आइए। सर सर पिछले 6 साल से थिएटर कर रहा हूँ। 6 साल से थिएटर कर रहे हैं? जी सर। अच्छा सर, पूरा मंडी हाउस सर मुझे ना मेथड एक्टर के नाम से जानता है सर, तो कुछ तो आता होगा। एक तो आप लोग यार, आप लोग एक्टिंग करते नहीं है, मेथड पहले घुसेड़ देते हैं। आपको जो बोला है उस बात पर ध्यान दीजिए, और बाद में आइएगा हम ये। सर ऑलराइट सर, सर एक रिक्वेस्ट है सर, सर एक रिक्वेस्ट प्लीज। कहिए। सर आप जो कहेंगे मैं वो कर दूंगा सर, आप जो सिचुएशन देंगे मैं अभी कर दूंगा सर। आप अच्छा ठीक ठीक आइए, कॉन्फिडेंस बतेरा है आप, देखते हैं आइए। थैंक यू सर, थैंक यू। भैया एकदम केजीएफ बना दो। ओके सर, मुंडवा लो, कटप्पा तो लग ही जाओगे। हो गया? हाँ हो गया, काटो। हेलो सर। हाँ भाई क्या हुआ टारगेट का? अरे सर आप टेंशन मत लीजिए, नाटक बन रहा है और शो होते ही रिजल्ट दिखेगा, टारगेट कंप्लीट। अरे तुम कर क्या रहे हो, फिर तो समझ के बाहर है। सर मैं मानता हूँ बहुत दिनों से टारगेट पेंडिंग है, बस एक बार नाटक हुआ टारगेट से डबल अचीव कर लेंगे हम। सर आपने सुना है ना, 100 सोनार की एक लोहार की। हाँ तो लोहार जी एक काम करिए, आप नाटक दिखाई दीजिए आप। सर ये ना यंग एक्टर्स हैं, और बीच बीच में ना ऑडिशन देने चले जाते हैं, आज भी ना ऑडिशन देने गए हैं, आज तो नहीं ही हो पाएगा। तुमसे ना नहीं ही हो पाएगा। सॉरी सर। साला टारगेट टारगेट टारगेट, सुकून से बैठने भी नहीं देते। तुम काटो यार। क्या सर? काटो ना।
दादा, कुछ दादा खाने के लिए भी मंगवा लो, पार्टी में क्या सिर्फ दारू चलेगी? अबे देख देख मूंगफली भी रखी पड़ी है। मूंगफली कहाँ है यार? बता क्या खाए दादा, जो भी मंगवा दो दादा। मटन नहीं दे यार दादा, चिकन होगा चिकन। अरे यार, अबे यार, तू तू क्या खाएगा बोल। चिकन बिल, चिकन बिल, चिकन चिकन। आपकी पार्टी है दादा, जो भी मंगाओ चलेगा। मटन मटन मटन, ओए मंगा, इसके लिए मटन, चिकन चिकन, इसके लिए चिकन और इसके लिए इंसान। किस चीज की पार्टी? अरे आपका सिलेक्शन हुआ है ऑडिशन में। इस कामयाबी की खुशी में पार्टी तो बनती है। मैं अपनी बर्बादी की पार्टी दे रहा हूँ। बर्बादी मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे दादा ऑडिशन से रिजेक्ट हो गए। अरे ऐसे कैसे कहता था, ऐसे कैसे रिजेक्ट? बढ़िया दादा, आपने मस्त है यार। दादा क्या बढ़िया एक्टिंग करते हो आप। यही बोलता था वो अक्षय सुनील खान, तीन तीन महीने करेक्टर में घुस जाओ, पल में हंस दो, पल में रो दो, स्विच ऑन स्विच ऑन स्विच ऑन। स्विच ऑफ। और फिर कोई बॉम्बे से आता है, कहता है कि थिएटर में कुछ रखा ही नहीं। और फिर आज मेरे सारे दोस्त मारे गए। मैं सब दो कौड़ी के इंस्टाग्रामर करो, मेरी जिंदगी बर्बाद। ऐसे एक्टर देखने यार बुरा मत मानना, पर तुम ना बहुत ओवर एक्टिंग करते हो। पानी वानी चाहिए? अरे इंटेंस के नाम पे ये चेहरे बनाना, जोर जोर से बोलना, ट्रांस में चले जाना। इधर आओ इधर आओ। इतना ज्यादा ओवर एक्टिंग क्यों करते हो भाई? देखो कैमरे पे ना ऐसी एक्टिंग नहीं चलती है भाई। रोमांटिसाइज मत करो अपने काम को भाई, ये सब एक्टिंग नहीं है। जरा देखो मार्केट में क्या चलता है, इतनी फिल्म्स हैं, अच्छी फिल्में देखो, कुछ सीखो। कैसी एक्टिंग करते हो? बेकार में अपने पैसे, माँ बाप के पैसे सब बर्बाद कर रहे हो। और ऐसे सिर्फ सपनों के पीछे भागते भागते ना कहीं पहुंचोगे नहीं। सपना और सच में फर्क होता है मेरे भाई। थिएटर करी करी जग मुआ, एक्टर भया न कोई। 30 सेकंड का रील जो करे सो एक्टर होए। साला हम यहाँ 2-2 घंटे तक नाटक करते रहते हैं और ये 2-2 मिनट की रील बना बना के इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर रीलर साले ये एक्टर बन जाते हैं। बताओ दादा का सिलेक्शन नहीं हुआ, वो राहुल इंस्टाग्राम वाले का हो गया। साले को एक्टिंग की समझ ही नहीं है। यही होता है भाई एक्टिंग में, ये कास्टिंग वालों का। 1.5 साल था मैं मुंबई में, किसका ऑडिशन होता है, कौन सिलेक्ट होता है। किसी किसी जगह तो ये कास्टिंग वाले खुद एक्टिंग कराते हैं यार। यही हो रहा है मुंबई में। लो अब तो दिल्ली में भी हो रहा है। बेंचो एक्टर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बात कास्टिंग की नहीं है, एक्टिंग की है। असल बात तो यह है कि हम एक्टर हैं भी, या बस
ऑडिशन दिए जा रहे हैं। मैंने तो चूतिया कटवा लिया है अपना, अब भी वक्त है, तुम सब निकलो। क्या मतलब, एक्टिंग छोड़ दें? नहीं, एक्टिंग सीखो। सीख तो रहे हैं। हाँ, ये एक्टिंग के नाम पे जो लंगड़ा लूला बुढ़ा भिखारी, ये सब एक्टिंग नहीं है। दाढ़ी मूंछ कैरेक्टर, इन सब के पीछे बस हम छुपते हैं, और जब बात एक्टिंग की आती है तो हम सब नंगे हो जाते हैं। और आज मैं नंगा हो गया, पहली बार सामना हुआ एक्टिंग से, एकदम नंगा। न चिपने के लिए आज कॉस्ट्यूम था, न कैरेक्टर। दादा 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 दादा, आप हमारे मेथड एक्टर हो। अबे लौड़ा का मेथड एक्टर हूँ? आज तक सोचता था कि मैं मेथड एक्टर हूँ, लिस्ट आजबर का नाम तक नहीं पता मुझे। असल बात तो यह है कि हमें कुछ पता ही नहीं है, बस करे जा रहे हैं नाटक। एक्टर बनना है ना तो पढ़ो नाटक, दूसरों के नाटक देखो, फिल्म देखो। दादा, सरकार में कहते हैं कि दूसरे ग्रुप के नाटक नहीं देखने हैं। यही तो सब खेला है। जितनी बार भी मंडी हाउस आओ, सारे नाटक देखो, जितने नाटक हैं सब देखो, टिकट खरीदनी पड़े तो खरीदो, खुद से अच्छे बुरे में फर्क करना सीखो। यही प्रोसेस है मंडी हाउस का, यही मेथड है। Welcome to Delhi Mandi House. Ooh.
पैसे लूटे और जेब में चिल्ला छूटे, एक टाइम रहने लगे भूखे पर साली उम्मीद ना छूटे। पोस्ट ऑफिसर पर्च बांटे, कुछ यारों ने खर्च काटे, पक्की पक्की सड़के थी पर डर के पांव में चुभते कांटे। सही जोन है गलत फोन है, सपनों की क्रीज पे रह गए नॉट आउट। आ गए हैं दिल्ली मंडी हाउस, आ गए हैं दिल्ली मंडी हाउस, वेलकम टू दिल्ली मंडी हाउस, आ गए हैं दिल्ली मंडी हाउस। जो करना है वो करना है, जिंदगी